तो दोस्तों अभी हम इस फार्म के फॉडर मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे सर से, और यहाँ पे चारा व्यवस्थापन कैसे किया जाता है ये सारी इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो में सर से पूछने वाले हैं। तो ये वीडियो एंड तक देखते रहिए। तो सर, आप जैसे बोर ब्रीड आपने इस फार्म पे रखी है और ये जो ब्रीड है ये ज़्यादा खाद्य लगता है इस ब्रीड को, तो सर आप इस बकरी को जो चारा लगता है ये आप कहाँ से उपलब्ध कराते हो? हमारी खेती है, खेती में हम मेथी घास लगाए हैं, लहसुन घास बोलते हैं उसको। आधा एकड़ में लहसुन घास है, उनको एक टाइम मतलब शाम को 5-6 बजे एक टाइम कंटिन्यू मेथी घास देते हैं। सुबह के खाने में उनको मक्के की कुट्टी या फिर चने का छिलका, तोर का छिलका या फिर सुबह बोल के मेरे 800 पेड़ है, वो कम से कम 4-5 महीने एक टाइम का खाना जाता है, उनको दो ही टाइम खाना देते हैं दिन में। तो आपके पास कितनी खेती है जो इन बकरियों के लिए काफ़ी है? मेरे पास तो 10 एकड़ खेती है, टोटल पानी के नीचे है, और इनके लिए सिर्फ आधा एकड़ रखी है। टोटल 6 और बड़े फीमेल सब कुल मिला के 40 है, उनके लिए आधा एकड़ काफ़ी होता है। और चने का छिलका, तोर का छिलका हम कर्नाटक विजापुर से लेते हैं, ये बारिश के समय काम आता है। अच्छा, और सूखा चारा वेट गेनिंग के लिए अच्छा होता है क्या? हाँ, सूखा भी चारा होता है अच्छा, मतलब एक टाइम तो हरा चारा होना ही चाहिए। और खुराक में आप सर क्या क्या देते हो बकरियों को? एक बकरी को कम से कम 200 ग्राम खुराक मिलना चाहिए, मक्का शेंगदाना पेंड और गोली आती है ये कनक के हिंदुस्तान फील्ड्स की, ये मिक्स करके सब एक बकरी को 200 ग्राम, और प्रेग्नेंट हो गई तो 300 ग्राम देना चाहिए। गीला चारे से बीमारियां होती है ये बात सच है क्या? जैसे कि गीले चारे में क्या होता है, ठंड के मौसम में या बारिश के मौसम में कीड़े मकोड़े ज़्यादा रहते हैं, ये वजह से उनको बीमारी भी होती है। जब मतलब मेथी घास खाया उन्होंने, वो मेथी घास के कीड़े मकोड़े रहते हैं, तो ये खा गए तो वो बीमार पड़ते हैं, मतलब उनको डायरिया होता है, पॉइजन होता है, तो ये वजह से उनको गीला चारा ज़्यादातर बारिश के समय ठंड के समय नहीं देना चाहिए, सूखा ही चारा देना चाहिए। और वेट गेनिंग के लिए खुराक ज़रूरी है? हाँ, ज़रूरी है।